मन एक स्वाभाविक गति से चलता है, इसको ऐसा नहीं इच्छा करने से ही मन संयमित हो जाएगा। तो हमारे आचार्य ने बताए हैं ये छह जो वेग है, ये वेग हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। छह वेग, एक वेग है वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, उदर उपस्थ जीभा वेग, ये छह वेग। वाक्य वेग शब्द के द्वारा समस्त अनर्थ पैदा होता है, इसको तो पहले हम लोग आलोचना कर चुके हैं, इसीलिए इस विषय में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सबको जानना चाहिए। शब्द के प्रति संयमन नहीं रहने से नाना प्रकार अनर्थ पैदा होता है। संसार जीवन में भी अगर शब्द के प्रति कंट्रोल नहीं है तो कभी कभी भयानक अनर्थ पैदा हो जाता है। अच्छा अच्छा सुनहरा संसार नष्ट हो जाता है शब्द के कारण, ऐसे ऐसे शब्द क्रोध के कारण, ऐसे वेग जो है हमारे चेष्टा करके भी हम रोक नहीं पाते हैं, कुछ शब्द कह देते हैं अनर्थ हो जाता है, कभी तो आत्महत्या कर लेता है ये शब्द वेग के कारण। इसीलिए संसार जीवन में भी सीमित माने शब्द के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। तो वाक्य वेग ये बहुत खत्म। और मन की एक विशेष अज्ञानता है, ज्यादातर मनुष्य में ये दिखने में आता है, साधक में दिखने में आता है, भयानक बाधा है। क्या जानते हैं? सेंटिमेंट, छोटी छोटी बात पर उसको मन में असर कर जाना, मन में चोट लग जाना, ये छोटी बात, ये सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट अज्ञानता से होता है, अहंकार से पैदा होता है। जिसके अंदर जितना अज्ञानता उस कारण वो सेंटिमेंट ज्यादा होता है। अरे सेंटिमेंट बड़ा खतरनाक, ये साधक का भजन करने देता नहीं है, भजन छूट जाता है। छोटा सा एक शब्द किसी ने कह दिया, बस उसको हमने धारण करके बैठ गया, हमको ऐसा शब्द कह दिया, माला लेके बैठे हैं, हमको ऐसा शब्द कह दिया, ऐसा हो गया, ऐसे क्यों भाई, क्या जरूरत है, यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दो, एक ठोस हो जाओ या पोल हो जाओ तो जाके तुम बच सकते हो सेंटिमेंट से। सेंटिमेंट एक महान अज्ञानता साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। इस सेंटिमेंट को पहले मिटाना चाहिए। कोई कितना भी टॉर्चर करे, गाली दे, कुछ भी करे, कोई शब्द प्रयोग करे, विपरीत शब्द प्रयोग करे, हमको दुखी करने के लिए कोई भी शब्द प्रयोग करे, उसको सुनना नहीं चाहिए। एक पोल हो जाओ, पोल माने यहां से सीधा यहां से घुस करके यहां से निकल जाता है, तो शब्द यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, या तो पोल हो जाओ या तो ठोस हो जाओ। ठोस माने दोनों बंद है, घुसता ही नहीं भीतर, एक पोल है, इधर से सुन लिया, इधर से निकल, अरे हमसे क्या लेना देना है, दो गाली दे दिया, दो अपशब्द कह दिया, जो दुख देने के लिए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया, कोई ऐसा व्यवहार किया, हमको क्या लेना देना है उससे, तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमारे अंतर जगत की मामला है, वहां तो हम है, हमारे ठाकुर जी है, वहां दुनिया का ये झमेला क्यों, हम भीतर कुछ आएंगे। तो एक तो पोल हो जाओ, यहां से सुना, यहां से निकाल दो, और एक ठोस हो जाओ, घुसता ही नहीं, वो घुसा ही नहीं भीतर। हमारा वो उल्टा, एक तो पोल है, एक ठोस है, माने इधर तो पोल है और इधर बंद है, तो शब्द यहां से घुस करके निकाल नहीं पाता, भीतर घुस जाता है, पेट में जाकर के बुर 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 बुर, ये झमेला हो गया ना। ये सेंटिमेंट बहुत अज्ञानता है। साधक को चिंता करना चाहिए, कुछ न कुछ कह दे, कितना भी अपशब्द कह दे, कितना भी दुखदायी शब्द कह दे, शब्द ही तो है, तो भीतर क्यों घुसा रहा हो, घुसा रहे हो उसको। एक साधु को एक जन गाली दिया, तो एक जन आके कहते हैं, महाराज आपको फलाना ने बहुत गाली दिया। बोले हमको गाली दिया? बोले अरे इतना बुरी तरह से गाली दिया, कहने लायक नहीं, आप सुनेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। बोले हमको गाली दिया? हमको दिया? हाँ आपको दिया, हमको दिया? बोले हाँ आपको दिया। अरे दूर हम लिया ही नहीं हम लिया ही नहीं, ले लेते हैं हम लोग, तो घुसा लेते हैं ना। अरे कह दिया, शब्द ही तो है ना, रास्ते में अगर हमको कोई गाली देता है
है ना, तो हमारा कोई फर्क पड़ता है भाई, रास्ते का आदमी है भाई, खाली दे दिया है। लेकिन घुसा लेते हैं हम, अनर्थ पैदा हो जाता है, भजन में बाधा आ जाती है, संसार जीवन में ऐसा होता है, होगा। आप अगर चाहें कि इससे मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना संभव नहीं है। संसार में रहेंगे और ऐसे कोई शब्दों, कोई व्यवहार, कोई विपरीत मुखी व्यवहार होगा नहीं, सब हमारे मन मुखी, हम जैसे चाहेंगे ऐसे ही व्यवहार करेंगे, ऐसे चाहेंगे तो संसार में रहना मुश्किल है, ऐसा मिलना मुश्किल है, ऐसा होता नहीं। कोई ना कोई ऐसा ही है जो कि आपको दुखी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे। लेकिन ये सेंटिमेंट को ही हृदय से मिटा दो, नहीं तो मन वहीं जाके टोकता रहेगा, फिर मन वहीं अटक जाएगा, भगवत चरण में मन को लगाना संभव नहीं होगा। इसलिए मनोवेग, इसको कहते हैं मनोवेग, ये मन हमारा ऐसे बंधन में फंसा हुआ है जो भगवत चिंतन करने देती नहीं है, ये हमको इस तरह से बहिर्मुख कर देने में समर्थ है। इसीलिए सब विषय में बहुत चिंतन के साथ विचार करके मन से जो विपरीत मुखी जो भी विषय है उससे हटाने का प्रयास करना चाहिए। आज तो देरी हो गया, कल फिर आगे चलेंगे, उधर वेग और जो वेग है उस विषय में आलोचना करेंगे। और भी जय जय श्री राधे। यह अज्ञानता है, महान अज्ञानता है हमारे अंदर। ये अज्ञानता रहने से हमको भगवत प्राप्ति होगी नहीं, पहले हमको इस सेंटिमेंट को मिटाना है। ऐसे विचार करके, दृढ़ निश्चय करके रहना पड़ेगा। कोई किसी ने कुछ कह दिया, फिर उसको और मीठी व्यवहार करो उससे, और खातिर से और आदर से उससे व्यवहार करो, तो धीरे धीरे विचार के द्वारा धीरे 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 जाएगा। ये अज्ञानता है और कुछ नहीं है, महान अज्ञान साधक के लिए तो महान अज्ञानता है। सेंटिमेंट एक बहुत भारी बाधा है मन के लिए, मन लगाने के लिए विशेष बाधा है सेंटिमेंट। ये गृहस्थ के लिए भी ये अच्छा है, मंगलकारी है, अगर उस सेंटिमेंट को मन से हटा दें, उसको ज्यादा भीतर में ना घुसाएं, तो उसके लिए भी अच्छा होगा, उसका भजन जीवन के लिए भी अच्छा ही होगा, अनुकूल होगा। जय राधा।